आज हम आपको एक पद ताड़ासन योग करने की विधि व उसके लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। यह खड़े होकर करने वाला एक आसन है। हमारा विशेष अनुरोध है कि सभी योगिक क्रियाएं मंद मुस्कुराहट व प्रसन्न चित्त अवस्था के साथ करें, जिनसे इन योगिक क्रियाओं का लाभ दोगुना मिलता है। एक पद ताड़ासन करने के लिए सबसे पहले दोनों पैरों पर खड़े हो जाएं। दोनों पंजे मिले हुए रहेंगे। अब श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं। श्वास रोकते हुए ही एक पैर को ऊपर की ओर उठाएं, पंजे नीचे की ओर जमीन की ओर तने होंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति पर आएं और यही क्रिया दूसरे पैर के साथ भी करें। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, थोड़े देर रुकना है। फिर श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति पर आ जाएं। केवल इस आसन को कर रहे हैं तो चार चार बार अर्थात 8 बार करना पर्याप्त होगा। अन्य आसनों के साथ इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो दो दो बार अर्थात दोनों पैर से दो दो बार 4 बार करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे जहाँ कहीं शरीर में तनाव हो रहा हो वे अपने ध्यान को वहाँ रखेंगे। इस आसन के अभ्यास से शरीर में बढ़िया संतुलन आता है, मन एकाग्र व शांत होता है। लंबाई बढ़ाने हेतु बच्चों और युवा के लिए यह एक उत्कृष्ट आसन है। बच्चे व युवा प्रोटीन युक्त भोजन लें और इस आसन का अभ्यास करें, लंबाई में फर्क जरूर पड़ेगा। इस आसन के अभ्यास से पूरा शरीर लचीला होता है, शरीर सुडौल होता है, पूरे शरीर में रक्त संचार अच्छा हो जाता है, शरीर की अतिरिक्त चर्बी पिघलती है, पीठ व छाती जांघों नितंबों एड़ी पंजों के दर्द में लाभ मिलता है, गठिया के दर्द में भी यह आसन लाभदायक है, शरीर के तनाव को दूर करता है, पाइल्स के रोगियों को भी विशेष लाभ मिलता है, पैरों में लचीलापन आता है, मलाशय अमाशय किडनी आंत आदि आंतरिक अंगों को यह आसन स्वस्थ करता है। प्रारंभ में इस आसन का अभ्यास खुली आंख रखकर करें। 1 महीने के अभ्यास के बाद आंख बंद करके भी योगासन का अभ्यास करें, जिनसे मानसिक एकाग्रता बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इस आसन को एक पद ताड़ासन इसलिए कहते हैं क्योंकि ताड़ासन योग इसे एक पैर के साथ किया जाता है, इसलिए इसे एक पद ताड़ासन कहते हैं। इस आसन के अभ्यास से आज्ञा मूलाधार अनाहत चक्र स्वस्थ संतुलित व सक्रिय होते हैं। गर्भवती महिलाएं 5 महीने के बाद इस आसन का अभ्यास न करें। जिन्हें घुटनों नितंबों एड़ी के गंभीर रोग हों वे भी इस आसन का अभ्यास न करें अथवा अतिरिक्त सावधानी रखकर यह आसन का अभ्यास करें। तो यह था एक पद ताड़ासन योग करने की विधि व उसके लाभ।